The time velocity graph of a car is shown in the figure. Calculate the acceleration point from point A to B and the distance traveled in the last 4 seconds. Last 4 seconds कौन से हैं? 3 से लेके 7 तक. और acceleration हमें A to B निकालना है, तो A to B, V2 minus V1, T2 minus T1, है ना? क्योंकि भाई velocity time graph है, इसका slope निकाल लो, तो आ जाएगा अपना acceleration. पुराना ज्ञान. फाइनल वेलोसिटी यानी V2 पॉइंट B पे कितनी है? 2. इनिशियल वेलोसिटी V1 पॉइंट A पे कितनी है? 5. फाइनल टाइम कितना है? 3. इनिशियल टाइम कितना है? 2, है ना? बस -3 डिवाइडेड बाय 1 ये हो गया -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यही तो होता है एक्सेलरेशन. कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा. अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट 4 सेकंड्स. लास्ट 4 सेकंड्स में हम लोगों ने मार्क कर दिया है. डिस्टेंस निकालने के लिए हमें एरिया निकालना होगा. किसका एरिया निकालेंगे लास्ट 4 सेकंड्स में? इस ग्राफ के नीचे का एरिया. ये हो जाएगा 90 डिग्री. ये एरिया हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो ये एरिया है क्या, नाम दे देते हैं BCDE. तो BCDE है. BCDE का शेप क्या है? ये एक ट्रेपीजियम है. ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि BC plus ED, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट. हाइट यानी कि BE. सब सही है. अच्छा, BC है कितना? 2. ED है कितना? 4. BE है कितना? ये हाइट कितनी है? 2. बस ये दो गया. 4, 2, 6. 6 क्या डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है? 6 मीटर. बस काम हो गया. सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ.